नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को आज कार रात्रि नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं आपके पास इसलिए YouTube के ऊपर आई हूँ क्योंकि बहुत से दर्शकों के फ़ोन आ रहे हैं, उनकी पूरी पूरी फैमिली जो है कोरोना ग्रस्त हो रही है। हस्बैंड वाइफ, बच्चे, नौकर, ड्राइवर, तो मुझे आप लोगों से एक ही बात कहनी है, ये मंगल 13 अप्रैल को मेष राशि में आए हैं, मिथुन राशि में आए हैं और आद्रा नक्षत्र में आए हैं, राहु के नक्षत्र में, और 20 जुलाई तक यह सिंह राशि में पहुंचेंगे। 20 जुलाई तक यह सिंह राशि में पहुंचेंगे। जब तक ये मिथुन में रहेंगे, करक में रहेंगे, तो कोरोना का प्रभाव बहुत अधिक रहेगा। अब आप देखिए, सूर्य के पास शुक्र और बुध की स्थिति है और शुक्र और बुध की डिग्री कम है और सूर्य की डिग्री ज़्यादा है, और जब यह सूर्य के पास आते हैं तो ये जल जाते हैं। बुध जो है हमारी चमड़ी का कारक है, तो चमड़ी का कारक आप देखिए, इस वक्त हमारे सबकी कोरोना ग्रस्त होके जो लाशें चमड़ियाँ जल रही हैं, यह बुध का ही कारण है जो यह सूर्य से तप रहा है। दूसरा, जो आप अगजनी की संभावनाएं देख रहे हैं, यह शुक्र की वजह से। शुक्र जो है हमारे ऐश्वर्य आराम का मालिक है, तो इसमें गाड़ियों में भी जिनके पास कार है, जैसे गर्मी के प्रकोप से, इंजन की किसी कमी से गाड़ी में आग लग सकती है, किसी की फैक्ट्री में आग लग सकती है और वायुयान में भी कहीं आग लग सकती है, तो ऐसी कुछ घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। और जो ये मंगल है, जब तक यह मिथुन में रहेगा यह अच्छा फल नहीं देगा, कोरोना पीक पे रहेगा, करक में आएगा तो यह इससे भी ज़्यादा पीक इसकी होगी, और उसके बाद जब यह सिंह राशि में आएगा, मगर नक्षत्र में आएगा, तब इसका प्रकोप थोड़ा कम आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह अब पीक पे चढ़ रहा है, उसी तरह ये पीक से नीचे भी उतरेगा। अब मंगल जो है, आपको मालूम है कि यंगस्टर है, युवा है, और इस संवत का 2078 की संवत का राजा और मंत्री दोनों ही मंगल है, तो इसके अंदर युवाओं को यादी प्रॉब्लम होगी, यंगस्टर को यादी प्रॉब्लम होगी जब तक मंगल सिंह राशि में है। तो मैं अपने सभी, जो कुछ मेरे बेटे लगते होंगे, कुछ मेरे भाई लगते होंगे, और कुछ जो भी मेरे से जिसका जो संबंध होगा, मैं उन सबको हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आप मास्क लगाएं, अपना घर के अंदर रहें और अपने खान पान का अपना बहुत ध्यान रखें, क्योंकि यह यंगस्टर के ऊपर ज़्यादा प्रकोप करेगा मंगल। और जो मंगल आद्रा नक्षत्र में मिथुन राशि में है, इसके साथ मुझे ऐसे लगता है कहीं कहीं पे बारिश तेज होगी, कहीं पे ओले होंगे, कहीं पे हल्की बूंदाबांदी होके चली जाएगी, तो इसका भी मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा, 16 मई से 27 जून 16 मई से 27 जून तक का जो पीरियड है, वह देश, हर देश के लिए बहुत घातक और बहुत ही खतरनाक मंजर है। यह मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही, सिर्फ मेरा आपसे सिर्फ निवेदन है कि आप ऐसी कुछ घटनाएं देखेंगे। 16 मई से 27 जून तक का समय कुछ घातक है, ऐसी संभावना पूरी पूरी है, है संभावना, लेकिन जब घटना घट जाएगी तो आपको लगेगा कि हाँ, गुरु माँ ने सत्य कहा था। और समय जो हमारा पूरा है, यह 30 नवंबर तक का समय है, और इस 30 नवंबर तक कोरोना काफी खत्म हो जाएगा,
वही हजार में से या लाख में से एक या दो आदमी रह जाएंगे और इसका प्रकोप खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप सावधानी बरतेंगे तो, अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो दुर्घटना होगी। आज मेरे ही अपने 4-5-6-7 क्लाइंट ऐसे हैं जिनकी पूरी पूरी फैमिली कोरोना से ग्रसित हो रखी है। तो मुझे बहुत दुख लगता है इस बात का कि पूरी फैमिली जब ग्रसित हो जाती है तो उनको देखने वाला कोई भी नहीं होता। तो आप इस चीज का बहुत ध्यान रखें और इस वक्त आप अगर बगला मुखी का जाप करें तो मैं आपको यही बोलूंगी कि बहुत अच्छा रहेगा। बगला मुखी के जाप के अंदर तीन देवी आती हैं, कमला, काली और भुवनेश्वरी। इन तीन देवियों का रूप आता है और एक आती है धूमावती जो वाइट कपड़ों में होती है। धूमावती आपने असम में कामाख्या में भी देखा होगा कि धूमावती का मंदिर है। और अगर आप लोग अपने घर में अपने अपने इष्ट को याद करते हो और उसका जाप सिमरन करते हो और अपने पूरे ध्यान से चलते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना आपके घर में आएगा, क्योंकि यह कोरोना अब वायु में फैला हुआ है और वायु में फैलने का मतलब आपने नाक से सांस ली सीधा फेफड़ों में, और सीधा फेफड़ों में जब तक आप इसको टेस्ट कराते हो तब तक ये हमारी पूरी बॉडी में फैल चुका होता है। तो मैं आपको एक बगला मुखी का मंत्र बताऊंगी जिसको कि आप अगर करें, वैसे तो बगला मुखी के बहुत से मंत्र हैं, अगर आप बीज मंत्र या छोटा सा मंत्र करें तो वह बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मैं आपको मंत्र बता रही हूँ यह मंत्र बड़ा है, आपको याद करने में भी और बोलने में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आप बगला मुखी का बीज मंत्र गूगल में देख लीजिए, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो इस प्रकार से है। ओम हेरिंग बगला मुखी सर्व दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है दिवांग जिवे कीले कीले बुद्धि नाशम हिरिंग ओम स्वाहा। यह आप अगर बगला मुखी का मंत्र बोलते हैं और बगला मुखी का हवन भी आप अपने घर में कर सकते हो लाल मिर्च के साथ में, आप लाल मिर्च के साथ में बगला मुखी का आप हवन भी कर सकते हो। और वैसे भी अगर आप घर में हवन करें कपूर लौंग काले तिल सतनाजा मिला के और हवन सामग्री मिला के तो आपका घर शुद्ध और पवित्र और नेगेटिविटी बाहर जाएगी और आपको बहुत इससे लाभ मिलेगा। और बाकी नवरात्रों के दिन है, नवमी के दिन तो सब लोग अपने घर में नवरात्रे करें और अष्टमी बिठाएं। और मैं आपको एक सलाह दूंगी कि कंजक तो इस वक्त बहुत कम मिलेंगी, अगर आप फल का कंजकों को दान करें कंजके बिठाएं फल से तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी। और दूसरी बात ये कि 30 नवंबर तक का समय थोड़ा कष्टकारक है देश के लिए, और ये जो 16 मई से 27 जून तक का समय है इसके अंदर कई मारकाट भी होंगे, कई मर्डर भी होंगे और साउथ और वेस्ट में काफ़ी ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी। नॉर्थ और वेस्ट में आपको बहुत से ऐसे उपद्रव नजर आएंगे और सरकार अब कुछ सख्त निर्णय लेने के मूड में है और वह सख्त निर्णय बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगे और आपको उसका पालन भी करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अब यह जो दृश्य देख रही है उस दृश्य को कम करने के लिए बहुत सख्त निर्णय लेगी। जहाँ पे उपद्रव होंगे वहाँ पे भी बहुत सख्त निर्णय होंगे और देश के ऊपर भी बहुत सख्त निर्णय होंगे। तो मेरा आप सबको यूट्यूब पे आज आने का यही कारण था कि जो मैं आपको मई से जून तक का समय है ये आपको बता दूं, और इसमें आप बहुत सावधानी बरतें, यंगस्टर बहुत ध्यान रखें। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है और मेरी यही प्रभु से, माता रानी से, बगला मुखी से, कामाख्या देवी से, अपने भोले भंडारी से, गणपति से यही आराधना है,
आप और आपका परिवार सुखी रहे, आपके घर में कोई कष्ट ना आए और आप अपने इष्ट देवताओं को याद करते रहें और उसी में आप अपना समय बिताएं। यह समय इस वक्त हमारे को पूजा पाठ धर्म कर्म करने का है और जिससे कि हम अपना यहाँ का जीवन भी सुधारेंगे और परलब्ध भी सुधारेंगे और आगे का जीवन भी हम अपना सुधारेंगे। तो मेरी आपसे यही विनती है। और अगर मेरे से कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकता है 9810931991999933866। और मैं आप सबसे एक ही विनती करूंगी, जो यह मंगल परिवर्तित हो रहा है और मंगल के जो जिस जिस राशि में जाने के ग्रह आ रहे हैं, आप अपने अपने आचार्य को अवश्य अपनी कुंडली का अवलोकन कराएं कि कहीं यह आपके घर में कोरोना का कारण तो नहीं है, मंगल आपका अष्टमेश तो नहीं है, या मंगल आपका छठे घर में रोग कारक तो नहीं है, और या मंगल के ऊपर किसी योग कारक ग्रह की जो रोग का मालिक हो, ऐसे ग्रह की दृष्टि तो नहीं है जिसके कारण आपको किसी भी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम हो। आप सबके आचार्य होंगे, मेरी विनती आप उन सबको अपनी पत्री दिखाएं और उससे अवलोकन करा के आप उसी तरीके से अपने घर में रहें और कार्य करें।